dang dag dagade dang dag dum dang dag dagade dang dag dum dang dag dagade dang dag dum dang dag dagade dang dag हम है मधुबाला उलाला और ये है पॉलिटिक्स का प्याला। आज क्या होने वाला है आपको ऐसा लग रहा है ना? और इसी चिंता में तो हम चिंतित थे, देखना है क्या होगा। तो चलिए ना, क्या सोच रहे? जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का, अरे आप सोच रहे गाना क्यों गा रहे? अरे यही तो माहौल अभी छाया हुआ है। होली तो खत्म, रंग उतर गया, लेकिन बंदर पेंट तो चैलेंज है कि नहीं उतरा होगा। और चुनाव का जो रंग है वो सबको चढ़ गया है, जनता से लेकर मंत्री तक। ये भगुआ हो, नीला हो, पीला हो, सब रंग में रंग के आने वाले हैं। बहुत कुछ होने वाला है। क्यों? क्योंकि चुनाव आ गया, चुनाव है। मधुबाला आ गई है जनता के बीच में सबका जनरल नॉलेज चेक करने के लिए। और वो जनरल नॉलेज कैसे चेक होगा, चलिए जनता के बीच में जानते हैं कि चौकीदार शब्द जो है उसको लेके इन लोगों का कितना नॉलेज बढ़ा हुआ है। आइए अच्छा आप तो रांची से ही हैं? हाँ। अच्छा आपको चौकीदार शब्द पता है? आज के समय में किसको चौकीदार बोला जा रहा है? चौकीदार बोलते हैं गांव का रक्षा करने वाला सबको जो। हाँ, आज देश में चौकीदार किसको बोला जा रहा है? अभी तो हमको तो अभी तो नहीं जान रहा है। चौकीदार हम लोग देहात में रहते हैं तो चौकीदार रहते हैं रात को। तो चौकीदार कौन होता है जो रक्षा करता है? हाँ, तो आपको पता है राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को चौकीदार बुलाया है? हमको तो अभी नहीं पता है, टीवी आजकल खराब है, नहीं देख रहे हैं। ओ सर, ये जो चौकीदार शब्द है इससे आप अवगत हैं? चौकीदार तो भाई वो पहरा देते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी जी ने चौकीदार बुलाया है इसका कुछ जानकारी है आप? देखिए उनका कहने का लहजा कुछ अलग था, बट हम लोग को तो चौकीदार का मतलब है भाई कहीं एरिया एक पार्टिकुलर है उसको रक्षा करना। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि उन लोग इस शब्द से कितना जानकारी रखते हैं। भैया जी, चौकीदार शब्द आज के समय में भारत में किस मंत्री के लिए यूज होता है ये बताएंगे? मोदी जी। देखिए घर के मोदी जी हो गए, वो कहीं और के नहीं, वो मेरे हैं, वो हमारे हैं, वो हम सब के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो हमारे लिए वो घर परिवार को भी छोड़ दिए, अपने माँ को, और भी बहुत सारी बात है। भैया जी, आपको पता है कि आज के देश में किस मंत्री को चौकीदार बुलाया जा रहा है? हाँ, चौकीदार हमारे मोदी जी, सबके मोदी जी, हम सबके मोदी जी को बुलाया जाता है। और ये इस नाम के जन्मदाता कौन? इस नाम का जन्मदाता हम ही लोग हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर चुके हैं कि हम लोग देश का चौकीदार हो गए। चौकीदार का अर्थ होता है वो रखवाले, वो हमारे देश का रखवाले कर रहे हैं। वो जब तक रहेंगे आतंकवाद उग्रवाद का लगभग सफाई कर देंगे, जैसे कि अभी कर रहे हैं, पाकिस्तान में घुस के मार रहे हैं। वो सब एकदम बिल्कुल सही है। हम मेरा कहना है कि सब देश को, देश में जितना भी आदमी है सबको मोदी जी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि वो जैसा आज तक नेता है वैसे हम आज तक किसी को देखे भी नहीं। इनका कहना है कि और किसी मंत्री को वोटे ना दे, लेकिन बात ये आती है कि बेचारे दूसरे पार्टी भी तो इस लड़ाई में है, आखिर उनका भी तो कुछ ना कुछ है, वो भी तो चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। इतना बड़ा महागठबंधन लेकर आ रहे हैं दूसरी पार्टी, तो उनका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना। अच्छा, ये चौकीदार शब्द के साथ राहुल गांधी जी ने बोला कि ये चौकीदार चोर है, तो क्या ये चौकीदार जितने चौकीदार हैं उनके बारे में आप अवगत हैं? ये तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कस दिया, लेकिन क्या आपको पता है चौकीदार की जिम्मेदारी क्या होती है? देखिए मैम, मोदी जी जैसा नेता कोई नहीं है, ये राहुल गांधी हार जाएंगे इस बार। अच्छा,
हाँ, चौकीदार शब्द से आप अवगत हैं? चौकीदार शब्द आपको प्रिय है? मैं आपको सबसे पहले तो भाई आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका कौन सा चैनल है मैडम? ये हमारा न्यूज 11 है और हमारा प्रोग्राम का नाम मधुबाला है। न्यूज 11 को भी धन्यवाद और बालाजी को भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, धन्यवाद। मैं इसके माध्यम से बोलना चाहता हूँ 11 के कि आज अपने गिरेबान के अंदर को देखिए कि मैं कितना अच्छा हूँ। दूसरे को उंगली उठाने के पहले दूसरे को देखिए। और हम जो आप घूम रहे हैं और मैं घूम रहा हूँ, यहाँ दुनिया बैठी है घूम रहे मोटरसाइकिल में, किसकी वजह से? चौकीदार की वजह से हम आजाद घूम रहे हैं। तो मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं तो वो चौकीदार की वजह से घूम रहे हैं, तो अपना ना खरीदे हैं, पेट्रोल भी तो खुद का बढ़ने का मतलब नहीं है। स्थान से जी रहे, 56 इंच सीना करके जी रहे हैं। जो घर में घुस के मार के आता हो, हिम्मत वाला होना चाहिए मैडम। हिम्मत वाला जिसकी ताकत हो वो घर में घुस के मारेगा, किसी की ताकत नहीं है तो दूसरे के घर में दादागिरी करके निकल जाएगा, वो 56 इंच वाला कर सकता है मैडम। कोई पानी दो, इन्हीं का प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। ये तो मोदी जी कर रहे। अरे ठीक है, अपने अंतरात्मा में झांक के देखिए और फिर करिए अपने मन का। आ रहा है ना वोट तो करबे करना है, आइए। अच्छा, हमसे बात करने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है, ये तो देखिए। अब आगे बढ़ते बढ़ते ये भी हमसे भिटा गए हैं। तो हम मधुबाला हैं और हमको बड़ा जानने का मन कर रहा है कि अभी क्योंकि चुनाव तो होने वाला है, लोगों के अंदर में बहुत सारा जो भरसका भी भैया जी में देखेगी बहुत सारा जोश है, तो वो जोश आप में भी है? आप क्या देख के वोट करेंगे? देखिए, एक्चुअली आदमी कोई भी है जो एक्चुअली ओल्ड मैन है, जो अभी बोल रहे थे, जो यंग जनरेशन है उनको चाहिए रोजगार। जो अभी आप देखिएगा जो बहुत मतलब मैक्सिमम जितने भी एजुकेटेड लोग हैं जो बीटेक किए हुए हैं या जो एमबीए किए हुए हैं, अभी डेट में उनके पास बेरोजगारी की बहुत समस्या, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला, ठीक है। तो अभी जितने भी हमारे मतलब जो हमारे यंग स्टार हैं वो सब परेशान हैं। वो इसलिए परेशान है क्योंकि जॉब ही नहीं है, बहुत लोगों की जॉब इसलिए चला गया कि बहुत ये जो अभी कुछ सालों से ना नौकरी मिल ही नहीं रहा है, तैयारी नहीं हो रही है। अब जो थोड़ी बहुत निकल रही है आप देखोगे उसका कंपटीशन और बढ़ गया है। हम लोग और भी बहुत सारे भाई हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या मैं अंदर आ जाऊं? मैं आपको 5 मिनट के लिए डिस्टर्ब कर दूं? अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि अभी तो चुनाव है और सभी पार्टियां अपने अपने तरफ से दमखम लगाए हुए हैं। 5 साल से बीजेपी ने शासन किया और 55 साल कांग्रेस ने बिताया, तो इन दोनों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिसकी वजह से आप वोट करने जाएंगे और किसको सपोर्ट कर सकते हैं? सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है, इसलिए हर हर मोदी घर घर मोदी है, ये सपोर्ट। ये आपका 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 खुद का बिजनेस है, तो इसमें जो GST जो लगा है क्या वो आपके साथ भी लागू है? सबके साथ लागू है, मेरे साथ भी लागू है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई? अच्छा हो गया है, आसान हो गया है बिजनेस करना। अच्छा, पहले के मुताबिक आसान है। अच्छा, कौन बताएगा हमको कि ये चौकीदार शब्द जो है, राहुल गांधी जी ने चौकीदार शब्द यूज किया, तो आज चौकीदार असल में चौकीदार की जो स्थिति है क्या उसके बारे में आप लोग यंगस्टर्स हैं, आप लोग ज्यादा जानेंगे, तो उसके बारे में मधुबाला को कुछ ज्ञान दीजिएगा। हमारा चौकीदार सही में चौकीदार है, वो देश को चौकीदारी अच्छी तरीके से कर रहा है। कितनी भी तरह की घटनाएं वो उसने अपना पीठ नहीं घुमाया, देश को हर मोर्चे पे खड़ा रखा, देश के आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने कठोर निर्णय लिए। एक चौकीदार इससे भला और क्या कर सकता है? मेरे निर्णय में राहुल गांधी ने जो चौकीदार शब्द यूज किया या फिर नरेंद्र मोदी ने चौकीदार शब्द यूज किया वो बिल्कुल सही है। आज तो सब अपने नाम के सामने चौकीदार शब्द लगा रहे हैं, कहीं मधुबाला भी चौकीदार मधुबाला न बन जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चौकीदार शब्द तो यूज हो गया, लेकिन जो असल जिंदगी में चौकीदार है उनकी स्थिति के बारे में कुछ जानकारी है? पिछले 15 साल और पिछले 20 साल में UPA की सरकार में जितने भी चौकीदार थे उनकी स्थिति ज्यों की त्यों थी। अब जाके उन चौकीदारों के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया, ये क्यों? क्योंकि ये 5 साल में आए, तब अब अगले 5 साल में अगर ये और आ जाते हैं तो उन चौकीदारों की स्थिति अच्छी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं उनसे। मैडम जी, आप बात करना पसंद करेंगी हमसे? ये तो पहले सार ही ला दी, आ जाइए। मैडम जी, हमारा चेहरा इतना बुरा भी नहीं है,
दीदी जी नमस्ते। अच्छा इधर इधर घूम के हमसे बात तो कर सकती है मुस्कुरा के, कितना अच्छा स्माइल कर रही है आप, इतना अच्छा स्माइल तो हमारा भी नहीं है। अच्छा एक बात बताइएगा हमको कि आप वोट करने जाते हैं? जी हाँ। तो इस बार भी जाएंगे? जाएंगे। तो 5 साल में कुछ लगा है कि कुछ अच्छा हुआ है देश में, कि ऐसा नहीं सब बकटोलबाजी कर रहा है, बक 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 चल रहा है, जुमलाबाजी चल रहा है, ऐसा है क्या? जी हाँ जुमलाबाजी हो रहा है, यानी कोई काम नहीं हुआ? काम तो अभी मेरा गांव में कुछ हुआ ही नहीं है। आप कहाँ से हैं? जी हम बेड़ों से हैं। तो बेड़ों में जो सुविधाएं देने की बात हुई होगी, सड़क, टॉयलेट, घर, ये कुछ भी नहीं हुआ है? टॉयलेट का सुविधा हुआ है लेकिन घर का तो नहीं। तो इसके पहले आप टॉयलेट की सुविधा जो है वो तो आपको नहीं था, आज हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ किया है तब। तो आपने घर के लिए अप्लाई किया? जी हाँ। बहुत समय हो गया? ज्यादा समय नहीं, 1 साल तो करीब हो गया है। तो अभी तक घर के लिए नहीं आया है? देखिए चेत जाइए, ये जो बोलते हैं बहुत काम हुआ है दीदी जी के तो गांव में काम ही नहीं हुआ है। अरे सोचना जरूरी है कि धरातल पे कितना काम हो रहा है। अकेले एक प्रधानमंत्री के घर घर जाकर टॉयलेट बनाएंगे कि मकान बनाएंगे? अरे जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं, जो बड़े बड़े अफसर हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? देखिए कैमरा के पीछे एक भैया जी ऐसे ऐसे सर हिला रहे, हम अब उनसे भी पूछते हैं क्या लगता है विकास हो रहा है कि ऐसे ही? विकास का नाम पर तो बदनाम हो रहा है, यहाँ तो गांव में जो है आवास बन रहा है वो भी नहीं बन पा रहा, अभी यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय। पलामू जिला की बात बता रहे हैं, और वहाँ का वृद्धा पेंशन वगैरह सारा चीज अभी कुछ नहीं हो रहा है। वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है, सड़क बना? सड़क भी नहीं बना, जर्जर है वहाँ का स्थिति, दयनीय एकदम स्थिति है मैडम जी। आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है आप क्या देख के वोट करने जाएंगे? अब मान लीजिए इधर सत्ता पड़ेगा उसी तरफ तो हमको देना पड़ेगा, अकेले करने से तो काम होगा नहीं, जहाँ सारे दबे देंगे वहाँ तो मेरे को भी देना पड़ेगा ना। ये आप पलामू गांव के बारे में बोल रहे हैं? पलामू डिस्ट्रिक्ट तरसी प्रखंड पंचायत सिलारी के बारे में बता रहे हैं, वहाँ का स्थिति ऐसा है। तरसी प्रखंड और ये किला पलामू। हम आपसे दोबारा इसलिए पूछे कि कभी कभी हमारे लोग सुनते नहीं है, थोड़ा तेज सुनने के आदि हो गए हैं, इसीलिए तो हमको चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है मधुबाला उलाला। आइए हमारे साथ, मधुबाला के प्याले में बहुत कुछ है, क्योंकि मधुबाला का प्याला जो है वो पॉलिटिक्स का है। कहीं मत जाइएगा, अभी इस छोटा सा ब्रेक के बाद मधुबाला फिर आएगी, बने रहिए हमारे साथ इसपे मधुबाला उलाला। दांग दग दगड़ दांग दग दूम दांग दग दगड़ दांग दग दूम दांग दग दगड़ दांग दग दूम दांग दग दगड़ दांग दग दांग दग दगड़ दांग दग दूम दांग दग दगड़ दांग दग दूम दांग दग दगड़ दांग दग दूम दांग दग दगड़ दांग दग बाद हम फिर हाजिर है किसपे मधुबाला उलाला। देखिए उधर अंडा दिख रहा है और अंडा जो है वो गोल गोल होता है, और चुनाव के समय में संतरी लोग आपका दरवाजे आएगा और आपको ऐसे गोल गोल घुमाएगा। तो हम भी गोले गोल घुमा रहे हैं, मधुबाला गोले गोल घुमा रही है, लेकिन सोचने का नहीं है, देखते हैं आगे और कहाँ कहाँ आपको घुमाया जाए। मधुबाला अब इंडोर से आउटडोर आ गई है, मधुबाला को औरों लोग से बात करना है, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या सोचते हैं, इनके मन में क्या चलता है, आप लोगों को जानना है, मधुबाला को तो जानना है, अगर मधुबाला को जानना है तो आपको भी तो जानना है ना। आइए एक दो सवाल छोटा छोटा सा तो बात करना चाह रहे थे, दूर से हमने आपको देखा, हमको लगा शायद आप इसका जवाब दे पाए। हमारा नाम मधुबाला है और हमको ये जानना है कि इन 5 सालों में कौन ज्यादा भारी पड़ा,
राहुल जी पे मोदी पड़े कि मोदी जी पे राहुल पड़ गए? तो मोदी जी पहले भी भारी थे, आज भी भारी हैं और रहेंगे भी। राहुल जी ये आप वेट का बात कर रहे हैं कि कुछ और बात कर? आप राजनीति की बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी वो हाँ। नहीं नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राहुल जी में अभी अनुभव की कमी है और अभी थोड़ा समय उनको लेना चाहिए अभी सीखने के लिए या फिर और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। अभी मोदी जी ही सफिशियंट हैं और उनको रहना चाहिए अभी। देखिए इन्होंने तो ये बात कह दी कि मोदी जी को ही रहना चाहिए और हमने थोड़ा सा इनको छेड़ दिया कि वेट की बात कर रहे हैं कि राजनीति की बात कर रहे हैं। आइए दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। हम जैसे ही बोलते हैं कि अब दूसरे लोगों से बात करते हैं इतना दर ऐसे करके देखते हैं, जैसे ही बोलते हैं दूसरे लोगों से बात करते हैं ऐसे चल देते हैं। हाँ, महिलाओं को आरक्षण सीट दिया गया है, महिलाएं अब जो है वो चुनाव लड़ेगी और सब हीरोइने हैं, सब तो हीरोइनों को देख कर चुनाव लड़ने आ जाएगा, सब वोट दे देगा हीरोइन को ही, पता नहीं क्या होगा, चलिए देखते हैं। अच्छा भैया जी, हम आप ही को देख के आ रहे हैं, आप कहाँ देख रहे हैं? आप यहीं से हैं कि बाहर से आए? नहीं, हम तो डाल्टनगंज से। तो अभी जो चुनाव होगा उसमें राहुल गांधी जी ने जो कहा चौकीदार चोर है, तो क्या इससे प्रधानमंत्री जी के लिए नुकसान हो सकता है कि अच्छा हो जाएगा? हमको पता नहीं। आप क्या सोचते हैं, आप वोट करने जाते होंगे तो आप क्या देख कर वोट कीजिएगा? हम तो यही देख के बोलेंगे कि मोदी जी का वोट देंगे, उनको जिताएंगे। क्या है, दूसरा आदमी सिखा के भेजा है आपको? ये आप अपने मन से बोल रहे हैं? मन से बोल रहे हैं। तो क्या देखे हैं कि आपको अच्छा लगा है? को बहाली देते हैं, रहने का देते हैं, बहुत कॉलोनी वालों ने दिए हैं। देखिए बहाली हुआ है, लोग बहुत तरह के लोग हैं, उनके अपने विचार है, तो हम लोग चाहेंगे कि उनके विचार भी हम लोग ले। आप जा रहे हैं क्या? ट्रेन अभी है? ले चल दिए। हाँ, तो मधुबाला का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। काहे कि मधुबाला का ये जो दिमाग में है बहुत सारा सवाल चल रहा है। अच्छा भैया जी, आप वोट करने जाते होंगे? जाते हैं। तो एक अच्छे नागरिक के तौर पे क्या देख के इस बार चुनाव में वोट करने जाना चाहिए? क्या ऐसा 5 साल में कर दिए हैं, तीर मार दिए, क्या कर दिए? बहुत कुछ किया है गरीबों के लिए, बहुत कुछ हुआ है। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को घर मिला है, वो शौचालय का सुविधा मिला है, घर का इज्जत बचा है, हर जगह ग्रामीण में रोड बन रहा है। तो भैया जी, आप तो पेपर की बात कर रहे हैं, हम अपना आँखों देखा बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने देखा कि शौचालय बना? हाँ बना है, मेरे गाँव पे, मेरा गाँव हुआ काची, बुंडू प्रखंड में पड़ता है। मैंने अपने गांव पे देखा, बहुत सारे गरीबों को घर मिला है प्रधानमंत्री आवास के, उन लोगों को छत मिल रहा है रहने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए शौचालय मिला है, हालांकि छोटा सा ही मिला है लेकिन मिला तो सही है। इससे पिछले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने तो कोई प्रयास नहीं किया इस बारे में। लेकिन पिछला गवर्नमेंट तो यही कह रहा है ना कि भैया योजनाएं तो सब हम लाए थे, लागू ही कर दिए, नाम पूरा यही ले लिए। तो योजना लाए थे तो लागू भी तो उन लोग का जिम्मेवारी था ना करने का, एक एक जन जन के, एक एक इंसान के, एक एक नागरिक के पास पहुंचाना उन लोग का धर्म था, उन लोगों तो किया नहीं, बस अपना पॉकेट भरने में रह गए। तो इनको लगता है कि काम हुआ है, बहुतों को लगता है, जैसे बुंडू का बात है तो बुंडू में एक जो हमारी बहन है वो बोल रही थी उनका तो शौचालय बना है, घर नहीं बना है, उनको घर ही नहीं मिला है। एक ने कहा कि उनका जो रोड है वो रोडो नहीं बना है, तो सत्यता कहाँ है? भैया जी अपने आंखों से देखे हैं तो सच तो वही है, यानी सच कहीं ना कहीं है। नमस्कार भैया जी, मेरा नाम मधुबाला है और हमारा शो न्यूज 11 में मधुबाला के नाम से चलता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं मधुबाला में ना थोड़ा राजनीति जो है ना बहुत मन करता है, हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी जी ने ये इतना सारा जो तंज कसा, बहुत कुछ कसा, प्रधानमंत्री जी को इससे फायदा होने वाला है कि नुकसान हो जाएगा? ये उल्टा नुकसान ही करेगा, जितना मतलब कि आसमान में तुम फेंकोगे कीचड़ अपने ऊपर ही आएगी। आसमान में कीचड़ तो उछाल चुके हैं और कुछ बूंदे तो उन पे गिर भी चुकी है, लेकिन वो जो चौकीदार चोर है बोल दिया, ये तो जितने चौकीदार हैं, सभी चौकीदार हैं, अभी सभी अपने अपने क्षेत्र में चौकीदारी का काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? दुष्यंत। चौकीदार दुष्यंत है? चौकीदार दुष्यंत।
बोलो मोदी, आपका नाम क्या है? बोलो मोदी जी, मोदी जी आएंगे। मोदी जी अभी से देख लीजिए, और ये न्यूज 11 में मधुबाला में पहली बार दिखाया जा रहा है, ये देखिए छोटा मोदी। मोदी मोदी जी कहाँ हैं? आंटी पसंद नहीं आ रही, बहुत ज्यादा मेकअप में है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी भीड़ है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा अंदर जाए, अंदर में थोड़ा देखते हैं कौन मिलता है भाई। मधुबाला अंदर आ चुकी है, और मधुबाला का सवाल जो है उसके लिए ये पहले से खड़े हैं। अच्छा भैया जी नमस्कार, हम जानना चाह रहे हैं कि अभी जो राहुल जी और मोदी जी ये चल रहा है, क्योंकि अभी चुनाव है तो इसका असर है वो तो पड़ेगा ही, तो राहुल जी चौकीदार चोर है बोलता है, और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि चौकीदार नरेंद्र भाई मोदी। तो ये तो चौकीदार शब्द है, ये कांग्रेस के लिए जन्म देना कितना अच्छा है कितना बुरा है? देखिए मैडम, बात तो ऐसा है कि ये चौकीदार शब्द तो पहले कांग्रेस लाया नहीं, ये तो सबसे पहले मोदी जी का कहना है। मोदी जी, लेकिन कांग्रेस में से ही तो बात आई, राहुल गांधी जी ने बोला चौकीदार चोर है, ये पहले तो आया। आपका कहना सही है, लेकिन अभी जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है मोदी सरकार, वो जो अभी जो काम कर रहे हैं वो अपने जगह पे A1 जिसको मैं बोलूंगा गुड काम वो कर रहे हैं। भैया जी आपको क्या लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से मोदी जी को इस बार चुनाव में फायदा हो सकता है कि यही उनके हारने का कोई कारण बन सकता है? नहीं नहीं, ये तो अच्छा ही हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक तो होना ही चाहिए था, क्योंकि जो अच्छा है अच्छा ही होता है, और इसके वजह से बहुत सारा ये भी हुआ है। और सौ बात की एक बात बोलते हैं कि चोर का मुंह हमेशा छोटा ही होता है, क्योंकि पहले कांग्रेस सरकार थी वो तो कुछ किया नहीं, जो भी किया वो तो दिख ही रहा था, और आज के डेट में जो हो रहा है वो तो दिख ही रहा सबको। और मैं तो एक ही बात बोलूँगा, मोदी सरकार सबसे अच्छा है। लेकिन ये जो चौकीदार चोर है का बात जो आ रहा है, हम कहना चाह रहे हैं कि सचमुच जो हमारे चौकीदार भाई लोग हैं, जिन लोग 12-12 घंटे काम करते हैं, 9-9 घंटा काम करते हैं, उनको छुट्टियां नहीं मिलती है, तो प्रधानमंत्री जी जब चौकीदार शब्द का उपयोग अपने नाम के साथ कर रहे हैं, दूसरे भी उनका देखा देखी कर रहे हैं, तो चौकीदार के प्रति भी तो उनका कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं? नहीं बनता है, क्यों नहीं बनेगा, बनता है, लेकिन इससे ये जो बात है कि चौकीदार चोर है ये गलत है, क्योंकि कोई अपना घर को नहीं लुटेगा, वो तो अपना रखवाली करेगा ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर ये गलत है, इसके लिए हम ये नहीं करेंगे। जी धन्यवाद। अच्छा हम लोग इन बातों पे बात करते रह रहे हैं कि आखिर चौकीदार चोर है ये शब्द आया तो चौकीदार पे हम लोग बोल रहे हैं? नहीं, आप उन सारे चौकीदार को भी तो अपमान कर रहे हैं। खैर मोदी जी ने चौकीदार लोग का स्टेटस हाई कर दिया है, अपना नाम के सामने चौकीदार शब्द जोड़ के। तो यहाँ पे एक भैया जी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। भैया जी नमस्कार। अच्छा चुनाव की घोषणा हो गई है, अब इलेक्शन होने वाली, तो आपको क्या लगता है? भैया जी नमस्कार। अच्छा ये चुनाव की घोषणा हो गई है और इलेक्शन होगा, तो अभी एक महागठबंधन है, बहुत सारी पार्टियों को मिला के एक गठबंधन सरकार बनाने की सोच रहे हैं, और दूसरा है कि हमारा NDA, तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में आपको क्या देखकर वोट करने जाना चाहिए, क्या देखेंगे आप? देखिए सबसे बड़ा तो है ये जो काम होता है इसका हम लोग आगे होते हैं, और हम लोग BJP को ही शुरू से रहे हैं और देते ही है मोदी जी का काम है, समझे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप BJP को पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं इसीलिए आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग BJP को देते हैं और हम कहीं नहीं देते हैं। इनका पूर्वाग्रह ही है, लेकिन क्या मोदी जी के आने के बाद कुछ बदलाव आया? बहुत बदलाव है, बदलाव तो है ही, ऐसा तो नहीं है, वो तो हर पब्लिक देख रहा है, समझे ना। चलिए इनका कहना है कि पहले से ही जो है वो BJP को ही सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि BJP को लेके ही आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आप क्यों वोट करने जाएंगे? आपको ये देखना होगा कि किस सरकार ने क्या काम किया, 55 साल की सरकार ने ज्यादा अच्छा काम किया कि 5 साल में मोदी जी ने
अपने आप को साबित किया। आइए देखें, चौकीदार जो है अब देश की चौकीदारी करते रहे और हमको चिंता हो गया है हमारे घर का, इसलिए हम चले अपना चौकीदारी करने घर का। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में मधुबाला फिर आएगी एक नए दमदार चुनावी तड़के के साथ। तब तक मधुबाला को भूलिएगा नहीं और देखते रहिएगा मधुबाला उलाला।